मेरे सामने आप ये जो स्क्रैप देख रहे हो, ये किसी टाइम पर एक गाड़ी होती थी। आज का वीडियो होने वाला है महिंद्रा स्कॉर्पियो पे, और ये उसी गाड़ी के पार्ट्स है जो हमने इस वीडियो में पूरा रिप्लेस किए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस गाड़ी की कंडीशन ऐसी कैसे हो गई, इतना रस्टिंग इस पर कैसे हो गया। आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे कि कैसे आपकी गाड़ी पर आप रस्टिंग अवॉइड कर सकते हैं, गाड़ी को प्रॉपर कैसे रख सकते हैं और गाड़ी की लाइफ कैसे बनाए रख सकते हैं। इस गाड़ी में हमने पूरा बॉडी शेल रिप्लेस किया है। ये पुराना गाड़ी का शेल है, और अगर आपको मैं पार्ट बाय पार्ट सारा दिखाऊं तो हर पैनल, चाहे वो डोर पैनल हो चाहे वो क्वार्टर पैनल हो, सब मेजरली रस्ट हो चुका है। ये गाड़ी का फ्रंट राइट साइड का डोर है, ड्राइवर साइड का डोर, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर सब मेजर रस्टिंग है, डोर प्रेटी मच खत्म हो चुका है। और अंदर की साइड से अगर आपको दिखाऊं तो ये जो आप सारा डस्ट देख रहे हो, ये किसी टाइम पर मेटल होता था। ये सारा मेटल जो है अभी भूसा बन चुका है प्रेटी मच, और ख़त्म हो चुका है। सिमिलरली पीछे के दरवाजे की भी हालत वैसी है, रेलिंग्स पूरी ख़त्म हो चुकी हैं, ये रस्ट खा के देखो ऐसे हालत होती है अगर गाड़ी पर रस्ट हो जाए तो। ये सब मेटल है जो ख़त्म हो चुका है। ये है गाड़ी का बी पिलर, और नीचे की तरफ में जो जहाँ पर हम पैर रखते हैं वो एरिया की भी आप हालत देख सकते हो। गाड़ी के अगर मैं फ्रंट सेक्शन की बात करूँ तो ये गाड़ी का राइट साइड का फ्रंट हाफ है, और अंदर की तरफ आप एप्रन की तरफ भी देखो तो रस्टिंग भरा हुआ है पूरा। ये सब मैं आपको अभी इसलिए दिखा रहा हूँ, गाड़ी तो हम पूरी बना चुके हैं, ये गाड़ी की प्रीवियस बॉडी है। आपको ये दिखाने का मेन रीज़न यही है कि रस्टिंग कितना मेटल को डैमेज कर सकती है। ये लेफ्ट साइड का फ्रंट एप्रन सेक्शन है, अंदर की इस तरफ से पूरा रस्ट हो चुका है। ये पैनल अभी अनयूजेबल है, अगर गाड़ी कहीं एक्सीडेंट में जाती तो ये मेजर ठुक के पूरा ख़त्म हो जाता, गाड़ी क्रश हो जाती, क्योंकि मेटल में कोई जान ही नहीं बची है। ये लेफ्ट साइड का फ्रंट डोर है, हर कॉर्नर जहाँ पर पानी रुक सकता है वहाँ से ये रस्टेड है। और गाड़ी ज़्यादा पुरानी है नहीं, जितना मुझे अंदाज़ा मालूम है गाड़ी करीबन 6 साल पुरानी है, और 60 या 70 हज़ार किलोमीटर चली है शायद। इंजन का कंडीशन बहुत अच्छा है, चैसी बढ़िया थी गाड़ी पे, बट बॉडी फ्रेम की हालत पूरी ख़त्म हो चुकी है। ये पीछे के सेक्शन में पूरा रस्टिंग है, हर बीडिंग की तरफ रस्ट लगा हुआ है, और सिर्फ बाहर से ही नहीं मेटल अंदर से भी कैसे रस्ट होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर की तरफ सेक्शन देखिए, पूरा अंदर से भी पूरा रस्ट हो चुका है। तो गाड़ी पे ऐसा कोई पैनल नहीं बचा जो रस्टेड ना हो, हर दरवाज़ा, क्वार्टर पैनल, इंटरनल फ्रेम, एप्रन्स, छत, फेंडर, हर पैनल गाड़ी का रस्टेड है, सब रस्ट होके ख़त्म हो गया। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। बुडमो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटलॉग्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। बुडमो अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। तो जब हम फर्स्ट टाइम मुंबई गए तो प्लान कुछ ऐसा था कि हमें नया कैमरा इक्विपमेंट लेना था। उससे पहले हम लोग मोबाइल और ऑस्मो 2 में शूट करते थे, तो हमने सोचा चलो एक तीर से दो निशान करते हैं, जाके कैमरा इक्विपमेंट भी खरीद लाएंगे और साथ ही साथ जाके ये बॉडी शेल भी चेक कराएंगे। तो कैमरा इक्विपमेंट खरीदने में हम इतने मगन हो गए कि हम लोग भूल गए कि बॉडी शेल भी देखना है। और शाम को 6:30 या 7 बजे कुछ हम लोग बॉडी शेल देखने पहुंचे, तब तक अंधेरा हो चुका था और वहाँ पे एक सब्सक्राइबर भी मिला था। तो बॉडी शेल अंधेरे में देखा तो इतना आइडिया तो आया नहीं हम लोग को, बट ठीक है, थोड़ा बहुत पता चल गया। इतना पता चल गया कि गाड़ी वर्केबल है और प्रेजेंट कंडीशन की गाड़ी से बहुत बेटर है। तो फिर बॉडी शेल फाइनल करने के बाद आई थिंक 4 दिन बाद, हाँ 4 या 5 दिन बाद हम वापस गए कुर्ला मार्केट और दो टीम में बंट के गए। इस बार दो टोली गई,
पहले जो था वो अजिंक्य और राज की टीम गई, तो अजिंक्य इसलिए गया कि उसे वीडियो शूट करना था, और राज इसलिए गया क्योंकि ही हैज अ वेरी गुड आइडिया कि बॉडी कैसे फाइनलाइज क्या करनी हो। और पीछे हम लोग की टीम गई, राघव, विकास और मैं। पहले मैं गया था कुर्ला मार्केट, गाड़ी की बॉडी इतनी ज्यादा रस्ट हो चुकी है कि अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बॉडी शेल रिप्लेस करने के अलावा। तो महिंद्रा में जब हमने पता किया तो महिंद्रा ने हमें पूरा बॉडी शेल का कोटेशन दिया, करीब 3.5 लाख प्लस GST। कस्टमर उतना एक्सपेंडिचर करना नहीं चाहते थे और एक पुरानी गाड़ी पे उतना खर्च करना लॉजिकल भी नहीं है, तो हमने कुछ कॉन्टैक्ट लगा के मुंबई में एक गाड़ी ढूंढी, पुरानी स्कॉर्पियो है जिसका बॉडी शेल हम परचेज करने के लिए पहले इंस्पेक्शन करने के लिए एक्चुअली कुर्ला गए थे, और अभी जा रहे हैं उसको परचेज करने के लिए, उस बॉडी शेल को कटवाने के लिए। तो बॉडी शेल कट के पूरा ट्रक पे बैठेगा, ट्रक से डायरेक्ट पुणे आएगा जहाँ पे हम फिर उसको अपनी पुरानी गाड़ी में फिटिंग करेंगे। सो राज और अजिंक्य ऑलरेडी साइट पर है, वहाँ पर बॉडी शेल का काम करवा रहे हैं, अभी हम उनसे मिलने वाले हैं जाके। हम लोग थोड़ा लेट निकले थे क्योंकि हमें काफी सारा ये पैकिंग एंड ऑल करना था। एक बात जो मुझे आपको बतानी है, स्पेशली जब हम रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, स्पेशली जब हम गाड़ियों में जाते हैं, मेरा छोटे होने का फ़ायदा उठाया जाता है। तो जो सबसे लग्जूरियस रोड्स होती हैं, खुली एकदम हाईवेज और बढ़िया व्यूज़ के साथ, वहाँ पे भाई साहब गाड़ी चलाते हैं, और जैसी सिटी एंटर होती है, अरे मैं थक गया, अब गाड़ी तू चला ले। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, मतलब पूरे रास्ते हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे गाड़ी इसने चलाई और मुंबई पहुंचे मेरे को दे। वो हमारा शुरू से है। तो यहाँ पे 2-3 घंटे शांति से एकदम 120-130 की स्पीड पे क्रूज करता हुआ आया, और मैं 20 की स्पीड पे ब्रेक मार रहा था मुंबई में। अजी तेरे को पता है क्या, हर्षल और मैं भी जब जाते हैं ना, मैं गूगल मैप पे देख लेता हूँ ट्रैफिक है या नहीं है। ट्रैफिक रहता है तो हर्षल आज तू चला गाड़ी, और जब एकदम खाली रहता है ना तो मैं गाड़ी ले लेता हूँ। तो ये भी एक बहुत यार ट्रैफिक में कौन चलाएगा यार गाड़ी, वो भी मुंबई के ट्रैफिक में गाड़ी कौन चलाता है यार, मतलब पैदल आदमी जल्दी पहुंच जाएगा। छोटे भाई तो पैदल ही इसलिए होते हैं ना। तू अडॉप्टेड है, देखो कचरे के डब्बे से उठा के लाए थे। तो उस टाइम में हमने ये सोचा कि अगर जेन्युइनली हमें रीजनेबल प्राइस पे इस गाड़ी को बनाना है तो हमें एक यूज्ड बॉडी शेल खरीदना पड़ेगा। हम लोग ने पुणे में, नासिक में, इवन मुंबई में बहुत टाइम के लिए एक बॉडी शेल ढूंढा, अच्छी डिसेंट क्वालिटी का बॉडी शेल हम लोग को नहीं मिला। राइट और कस्टमर को हमने भी यही समझाया कि आप देखो, अगर इस गाड़ी को बनाना है तो बॉडी शेल रिप्लेसमेंट इज दी ओनली ऑप्शन दैट यू शुड गो फॉर। उसी ओरिजिनल बॉडी को रिस्टोर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और करोगे तो मतलब उसकी लाइफ नहीं बचती, कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है। फाइनली हमें फिर मुंबई में उसका रिप्लेसमेंट बॉडी शेल मिला, हम लोग को फोटोज आई, हमने फोटोज चेक की, फोटोज में डिसेंट लगा, बॉडी शेल था कुर्ला में। और ऑटोमोबाइल लाइन से होते हुए भी मैंने कुर्ला सिर्फ वीडियोस में देखा है। We'll be right back.
सो वहाँ हम लोग को दो मेजर प्रॉब्लम्स फेस हुए. पहला तो ये था कि अजिंक्य जब वहाँ शूट कर रहा था तो मार्केट में एक तो बहुत भीड़ भाड़ होती है और वहाँ लोग ऐसे अलाउ नहीं करते शूटिंग करने का. तो बीच में एक बंदा इसके पास आया और बोलता है यहाँ शूटिंग वूटिंग अलाउड नहीं है. तो इसके हाथ से फ़ोन खींचने की कोशिश की और बोला ये फुटेज डिलीट करो सारा. तो बड़ी मुश्किल से अजिंक्य घबराते हुए फ़ोन वोन अपना संभाला और इसने पूरा फुटेज बहुत बढ़िया तरीके से लिया है. कूडोस टू अजिंक्य. और दूसरा जो हमें प्रॉब्लम लगा वो ये था कि गाड़ी लोड हो जाने के बाद ये पुणे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी या बीच में से यू टर्न ले लेगा. मतलब डर लगता है ऑब्वियसली. ये सब चीजों का हो चुकी थी एंड पैसे वहां पे पूरे अपफ्रंट देने पड़ते हैं तो वो भी वहां पर एक चीज तो रहती है. तो उस वक्त हमने ऐसा डिसाइड किया कि अजिंक्य और राज क्योंकि सुबह से निकले हुए थे तो वी सेड कि हम में से एक जना गाड़ी चलाता है और ये दोनों हमारे साथ गाड़ी पाएंगे. तो अजिंक्य को और राज को मैं लेके फिर गाड़ी में वापस क्योंकि दोनों बहुत थक चुके थे. और परीक्षित और विकास फिर बाइक पे बैठ के रात में ठंड में कुकुड़ते हुए. अरे उस रात को इतनी जबरदस्त ठंड थी ना. फिर सबसे बड़ा मेजर टास्क आया रात को जब यहाँ पे बॉडी शेल पहुंचा करीब 11:30 बजे. हम लोग एक क्रेन वाले से ऑलरेडी बातचीत चल रही थी थ्रू आउट द डे कि हमने प्लान किया था कि हम यहाँ इस टाइम पे 10 बजे 10:30 बजे हम पहुंच जाएंगे तो भाई तू क्रेन भेज के ट्रक में से उतरवा लियो. बट 10:30 बजे जब हम पुणे एंटर किए तो क्रेन वाले ने मना कर दिया कि वो नहीं आ सकते ड्यू टू व्हाटएवर रीजन. एंड उस वक्त उस दौरान मतलब क्रेन मिलना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो गया. हमने करीब नहीं होने से भी 5 या 6 जगहों पर कॉल किया क्रेन के लिए हेल्प मांगी बट नहीं अवेलेबल हो रहा था. फिर एक नॉन कॉन्टैक्ट के थ्रू कोई मिला और वो अपना क्रेन लेकर आए और सिर्फ बॉडी शेल ट्रक में से उठा के नीचे रखने का हमें 3,500 रुपए 3,500 रुपए बहुत चुभा वो बट दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. और रात के 1:15 बजे करीब आई थिंक 1:20 बजे हो रहा था बॉडी शेल नीचे उतरा और क्रेन वाला पैसा लेके निकला. तो ये पूरा दिन हमारा 5 जनों का पूरा इस चीज में गया. बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार. ऑफ कोर्स मतलब यही चीज है जो मेमोरी बन जाती है. यही तो वो बातें हैं जो यादें बन जाती हैं. तो ऑफ कोर्स मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट उसकी वजह से भी स्पेशल हो गया क्योंकि हमारा आउट ऑफ द वे जाके इनपुट लगा है इस चीज में और हमने पर्सनली बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है इस चीज में. तो ये था प्लान पूरा गाड़ी वहां से यहाँ लाने का बॉडी शेल लाने. अब आ तो गया है अब काम भी करना है. अब पुराना वाला बॉडी शेल उठा के साइड में रखना है नया वाला बॉडी शेल उठा के उस गाड़ी पे रखना है और फिर उसका पेंटिंग का काम करना. हमारे पास एक चीज बहुत अच्छी है. हमारे पास एक पूरी फौज है यहाँ पे ठीक है ब्रोटोमोटिव में काम करने वाले. तो हम लोग वो लोग सब मिलके मैन पावर इतनी अच्छी खासी है कि हम लोगों ने बाहुबली अपने आप को समझा बिना क्रेन के. हम बॉडी शेल उठा के हमने पुरानी चेसी के क्रेन के साथ हमारा एक्सपीरियंस तो पहले ही हमने देख लिया. हम सोचा यार भाई थोड़ा पैसा बचा लेते हैं 5 मिनट लगेंगे उठा के रख देंगे.
आज की गाड़ी रेडी करने के लिए ना हम लोगों ने बहुत पापड़ बेले हैं और बहुत ज्यादा मेहनत की है। कहाँ कहाँ नहीं गए, क्या क्या नहीं किया, किस किस से नहीं मिले। हाँ, बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस। हाँ, जब ये गाड़ी हमारे पास आई थी ना, तो गाड़ी फर्स्ट टाइम देख के मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था कि क्या हम ये प्रोजेक्ट मतलब कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। खुद पे डाउट हो रहा था कि मतलब मेरे को तो जेन्युइनली ऐसा लगा था कि ये गाड़ी नहीं बन सकती। हमने कस्टमर को बोला भी था, सर दिस इज बियॉन्ड रिपेयर, तो आप ये गाड़ी या तो बेच दो या फिर स्क्रैप कर दो और नई स्कॉर्पियो ले लो। बट हुआ कुछ ऐसा कि कस्टमर ऑलरेडी प्लान बना के आए थे कि ये गाड़ी पे काम करना है, और इस लेवल का प्लान बनाया था कि उन्होंने अपनी रिटर्न फ्लाइट टिकट्स भी बुक करी हुई थी और वो बोले थे मैं गाड़ी छोड़ने के प्लान से ही आया हूँ। मुझे अभी भी, हमने जो डेमो वीडियो बनाया था उसका एक प्रोमो बनाया था हमने, वो हमने इंस्टाग्राम पे डाला था, जो लोग हमें इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा। वो प्रोमो देख के ही हमें लग गया था कि यार ये वीडियो और ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेवल बनने वाला है। उस वक्त आई थिंक बीच में था प्रोजेक्ट, गाड़ी शायद पेंटिंग स्टेज में थी, मेरे को ध्यान नहीं उस वक्त, या बॉडी वर्क के स्टेज में थी। और वीडियो उसी वक्त वो प्रोमो देख के मतलब तो आंखों में आंसू आ गए थे कि यार हमने इतनी मेहनत करी है। जब आप अपना पुराना काम देखते हो तो मतलब रियलाइज होता है कि कितनी मेहनत गई एक चीज में। क्योंकि इसमें हमने बॉडी शेल पूरा रिप्लेस किया था, उस वजह से हमारा थोड़ा स्टार्टिंग का काम हेक्टिक हो गया। बट क्योंकि पुराना बॉडी शेल भी काफी एज था, तो उसमें भी माइनर रस्टिंग इधर उधर थी, बट इट वॉजन बैड। सो व्हाट वी हैड टू डू वाज, जो हमारा ओरिजिनल बॉडी शेल था उसमें से कई पीस निकाल के हमें इसमें वेल्ड करने पड़े छोटे मोटे। और उसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम था वो ये था कि जो पुराना बॉडी शेल हम उठा के लाए, किसी ने ये बात ध्यान नहीं दी, दिमाग से निकल गई, उसमें क्लैडिंग के लिए होल्स नहीं थे। तो क्लैडिंग के होल्स भी गाड़ी के ऊपर नहीं थे, और डोर की लॉक की जो प्लेसमेंट होती है वो भी थोड़ी अलग थी, तो हमें वो थोड़ा अपनी तरफ से एडजस्टमेंट। डोर की होल की प्लेसमेंट तो बहुत बाद में पता चली, हमें याद है डिक्की पेंट कर दी थी, पेंट होने के बाद एक्चुअली हमें रियलाइज हुआ कि अरे इसकी लॉक की प्लेसमेंट ही अलग है, तो हमें वो रीवर्क करके दोबारा से वो पैनल रीपेंटिंग करना पड़ा। और क्लैडिंग के होल्स हमने ड्रिल बनाई, जो ओरिजिनल बॉडी के सारे क्लैडिंग थे वो हमने इसमें बिठाए, पुरानी वाली में थे नहीं, तो ये प्लास्टिक के आइटम है, ये तो सड़ते नहीं है, तो कोई इतना प्रॉब्लम आया नहीं, ड्रिल कर दिया और जो पुरानी क्लैडिंग थी वो सारी इस पे बैठ गई। कलर स्कीम की अगर मैं बात करूं, तो जब हमने गाड़ी प्लान की थी, पहले कस्टमर का सिर्फ था कि एक्सटीरियर पूरा रिस्टोर कंडीशन में, मतलब जैसी ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में उनको वैसे ही कुछ गाड़ी ही सेट की उनको चलेगा, बट ही सेड आप आपके हिसाब से डिसाइड करो। देन वी सजेस्टेड कि आप इसको स्लाइट चेंज करो कलर को, तो हमने उसको ब्लैक ऑनिक्स ब्लैक कलर हमने सजेस्ट किया कस्टमर को। वो कलर हमको हमेशा से पसंद आया, हम लोग ने बहुत लोगों को वो कलर रेकमेंड किया है, उसकी स्पार्कल्स एक बहुत प्यारी है। बट इसमें फर्क ये था कि जो उसका ओरिजिनल ब्लैक और नीचे सिल्वर क्लैडिंग थी वो थोड़ा चाइल्डिश लगता था, उसमें मैच्योरिटी नहीं थी कलर में, और हमने जो सोचा कि व्हाई नॉट मेक दिस होल कार ब्लैक, लाइक पूरा एक ब्लैक लुक, बीस्ट वाली लुक आया पूरा एक, मतलब कंप्लीटली ब्लैक, और ऐसी गाड़ी मतलब स्टैंड आउट भी करेगी ऑफ कोर्स। तो हमने फिर कस्टमर को सजेस्ट किया कि पूरी गाड़ी को ऑनिक्स ब्लैक कलर में पेंट करते हैं, कस्टमर ने अप्रूवल दिया एंड इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन मेरे हिसाब से। तो
फिर मिड प्रोसेस में कस्टमर ने डिसाइड किया कि यार जब गाड़ी इतनी बना ही रहा हूँ, पूरी रिस्टोर कर रहा हूँ, तो चलो इंटीरियर भी पूरा बना लेते हैं। तो पहले ये प्लान नहीं हुआ था एक्चुअली, और मिड प्रोसेस में उन्होंने हमसे फिर बोला कि इंटीरियर भी प्लान करते हैं, और एक्सटीरियर के हिसाब से ही हमने कुछ इंटीरियर फिर प्लान किया कि एक्सटीरियर इतना डार्क हो रहा है तो आई थिंक इंटीरियर भी थोड़ा डार्क कलर के शेड में चूज करना चाहिए। इंटीरियर भी जब हमने प्लान किया तो उसमें बहुत सारे हम लोग को अलग अलग ऑप्शंस थे, हमने बेज भी सोच लिया, हमने ब्लैक भी सोच लिया, हमने ब्राउन भी सोच लिया, तो फिर हमने एक कलर फाइनल किया एंड वी वेंट विद ब्लैक कंबाइंड विद ब्राउन। राघव को बुला दे, राघव को लगा के देखे गाड़ी पे एक बार पैनल थोड़े से। हाँ वही करते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ऊपर से पत्रे का ऑफिस है ना, शेड पूरा बैंड बज रही है अंदर। राघव ये डुअल कलर में नहीं जाएगा क्या? डुअल कलर में नहीं जाएगा, सिंगल ही लेना पड़ेगा। ये मेजॉरिटी अगर ब्राउन ले लिया तो ये हम फिर बेज ले नहीं सकते ना, ये और ये मैच नहीं होगा फिर। सबसे बेस्ट आइडिया है क्या है मालूम है? जितना ये डार्क बेज टाइप का कलर है ना मशरूम सारा, इसको अपन कोको ब्राउन कर देते सारा। डार्क बेज बोले तो ये सारा ये, हाँ। ये सब ठीक है, रूफ हो जाएगी ब्लैक, हाँ। और डैशबोर्ड का टॉप जो है ना, हाँ। उसको ब्लैक कर देते, क्योंकि पूरे इंटीरियर में सिर्फ ये एक ही पार्ट है जो अलग कलर का है, जो एक्चुअल है। हाँ मतलब मेरी बात समझ, जो भी ये अच्छा ये इसी के इसी पार्ट के साथ है, ठीक है ठीक है। तो जो इसके साथ के पार्ट्स है, जैसे ये है, ये कोको ब्राउन नीचे, तो डोर पैड्स में कपड़ा और ये क्या आएगा? ये कोको ब्राउन हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, समझ गया। तो यहाँ पे ये हमारा पियानो ब्लैक जाएगा, ये पियानो ब्लैक चला जाएगा, और ये ब्लैक विद ब्राउन स्टिचिंग या फिर ब्राउन विद ब्लैक स्टिचिंग। ओके, ब्राउन लेदर विद ब्लैक स्टिचिंग, ठीक है वैसा कर लेते हैं, ठीक है ना? तो पूरा एक ही टोन, पूरा बाहर ब्लैक और अंदर ब्राउन, बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, डार्क हो जाएगा, छत ब्लैक हो जाएगी। सो वी आर गोइंग ब्लैक एंड कोको, ब्लैक एंड कोको, ठीक है, विद मेजॉरिटी ऑफ इट बीइंग कोको एंड वुड फिनिश जो है वो मैट वुड में ले लेंगे, ठीक है अच्छा लगेगा। ठीक है शुरू करें फिर, हाँ चलो। ये सारे स्कॉर्पियो के पार्ट निकाल के उधर देना चालू करो, हो गया डिसाइड। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ कोर्स, राइट, कि गाड़ी पर रस्टिंग होता क्यों है, राइट? सो जब हम बात करते हैं मेटल की
और मेटल का सबसे जानी दुश्मन है पानी, यू नो, और उससे बड़ा जानी दुश्मन है खारा हार्ड पानी, हार्ड वाटर, राइट। सो ज्यादातर कस्टमर ये सोचते हैं कि मैं अपनी गाड़ी अगर रेगुलरली वॉश करूंगा, क्लीन रखूंगा, सो दैट इज गुड फॉर द कार टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यस, दैट इज फाइन, इट्स ओके, गुड फॉर द कार, पर्सनल चॉइस, बट व्हाट मैटर्स इज कि आप कहां रह रहे हो और कौन से पानी से गाड़ी धो रहे हो। अगर आपके इधर पानी का TDS 1000, 1200, 1500 है, जो कि इन कस्टमर के साथ भी हुआ, ही यूज्ड टू वॉश हिज कार रेगुलरली और उनके यहाँ बहुत खारा पानी था, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 ईयर्स उनकी गाड़ी पूरी रस्ट हो गई। अगर आपके इधर खारा पानी है, सो व्हाट यू शुड डू इज एट लीस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ वॉशेस। सो अगर आप रोज गाड़ी धोते हो तो वॉश इट विद इन लाइक 4 days, 5 days, आप रोज ना धोएं गाड़ी को, जितना अवॉइड करोगे उतना बेटर है। आप अगर हार्ड वाटर से गाड़ी धो भी रहे हो इन सम सर्कमस्टांसेस, इट्स नॉट दैट बैड, अगर आप वो पानी को अच्छे से गाड़ी से उतार देते हो तो। यू हैव टू ड्राई योर कार रियली वेल, इस चीज से भागना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट आप जितने प्रिकॉशंस ले सको यू कैन रिड्यूस इट, सो लाइक आपकी गाड़ी उतनी बेटर दिखेगी विद टाइम। अगर रोज धो रहे हो गाड़ी को तो मान लो जैसे 100% रस्ट होती है लाइक विद इन 5 years, अगर आप 4 दिन में एक बार धोगे तो रस्ट अपने आप आपका सीधा दोगुना, मतलब 70% कम रस्ट होगा एंड दैट इज रिपेयरेबल। अगर छोटा मोटा रस्ट है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसके इसमें कॉस्ट भी बच जाती है। यहाँ पे मतलब इस पर्टिकुलर केस में रिपेयर, ये तो रिपेयर वर्क ऑप्शन नहीं, नेक्स्ट लेवल था। इधर ही बैठ के सब काम, फुल इंटीरियर एक्सटीरियर, गाड़ी रिस्टोरेशन। तो गाड़ी की जो लुक आई, पूरा कंप्लीट इंटीरियर, कंप्लीट एक्सटीरियर रिस्टोरेशन, मैंने एक्चुअली इमेजिन नहीं किया था गाड़ी इतनी अच्छी लगी। मैंने भी एक्सपेक्ट, गाड़ी बहुत सुंदर बन के आई, और बॉडी रिप्लेसमेंट जो हमने डिसीजन लिया और जो कस्टमर ने भी अप्रूवल दिया, बहुत अच्छा डिसीजन था। और क्योंकि गाड़ी की रनिंग कंडीशन इतनी खराब नहीं है, उसकी इंजन की कंडीशन अच्छी है, तो एक बहुत वाइबल डिसीजन है मेरे हिसाब से एक गाड़ी को ऐसा रिस्टोर करना। क्योंकि जो गाड़ी का बॉडी शेल अच्छा था वो भी स्क्रैप हो रही थी, और ये गाड़ी जिस कंडीशन में थी ये भी स्क्रैप कंडीशन में थी, तो हमने दोनों में से बेस्ट उठा के गाड़ी को वापस उसकी लाइफ रीयूज करने का मौका दिया, जो आई थिंक एनवायरमेंटली एक बहुत अच्छा डिसीजन है। बट ये हर गाड़ी के साथ नहीं किया जा सकता, जैसे ये 6-8 साल पुरानी गाड़ी है। नहीं, बट यहाँ पे हमारी किस्मत भी अच्छी थी कि जो हमें चाहिए था वो डिसेंट कंडीशन में हमको मिल गया। दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, आपको अच्छी कंडीशन में यूज बॉडी शेल मिलेगा, ये बहुत रेयर है। हम लोग के पास पहले भी सेकंड हैंड पैनल वगैरह फिर भी हो जाता है कि मतलब कोई गाड़ी एक तरफ से ठुकी है तो उसके लेफ्ट साइड के पैनल जैसे पूरे रीयूज हो जाएंगे, पर पूरा बॉडी शेल मिलना अपने आप में एक चैलेंज था। बट पूरा बॉडी शेल हम वहां खड़े उतरे, हम चारों दरवाजे, दोनों फेंडर, क्वार्टर पैनल के साथ में पूरा फ्रेम, ग्लासेस के साथ। ये प्रोजेक्ट काफी लंबा रहा है, सो आई थिंक 5 से 6 महीने हम लोग को लगे गाड़ी पूरी बनाने में। और आपको भी एज अ कंज्यूमर ये समझना चाहिए कि मतलब जब ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनको ऑफकोर्स टाइम लगता है। अब कोई नॉर्मल गाड़ी अगर एक पैनल पेंटिंग को आए तो फटाफट डेंटिंग होके शायद वो गाड़ी पेंटिंग या बेस वर्क के लिए चली जाती है। बॉडी प्रोक्योरमेंट में ऑलमोस्ट 2 महीना निकल गया था। बट इतना बड़ा, इतना मेजर प्रोजेक्ट जो है, आपको उसको एक कंफर्टेबल टाइमलाइन देना जरूरी है अगर आपको बेस्ट आउटपुट उन चीजों से चाहिए तो, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोसेस को डबल टाइम लग जाता है। अब एक गाड़ी का डेंटिंग होने से पहले हमारा करीब 2.5-3 महीने का काम उस गाड़ी पे लगा है, तो ऑफकोर्स इस गाड़ी पे ज्यादा टाइम लगना बनता था मतलब। और दूसरी चीज़ ना, हमारी वर्कशॉप में एक चीज़ है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि स्पीड में काम निकाले, बट हमारे यहाँ हड़बड़ी वाला काम नहीं होता। हड़बड़ी में ना काम सारा खराब हो जाता है। हमारे काफ़ी कस्टमर्स डिसअपॉइंट भी होते हैं कि हम कई बार डेडलाइंस नहीं मीट कर पाते, बट उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी लग जाता है, गाली भी खाते हैं बट कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे खुश होकर निकलना चाहिए, ये हमारा प्रायर मोटिव रहता है। ये अभी तक का हमारा वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है, इसलिए नहीं कि इसमें काम ज़्यादा था या कुछ था, बट दिस हैज़ बीन शॉट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, और अजिंक्या ने इतने सारा फुटेज शूट किया है कि उसमें एक पूरा PC भर गया। और इसमें हमारा एक्चुअली पूरे मीडिया टीम का भी हाथ जाता है इस दौरान। हाँ, विकास ने भी बहुत हेल्प किया, नए लोग हमारी टीम में भी जुड़े और एक आध लोग वापस भी गए, बट एंड आउटपुट जो निकल के आया है, मैं पर्सनली उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। और अपने आप में मतलब
एक इम्प्रूवमेंट देखना पिछले दो साल में. हम आज ही एक्चुअली कल ही बैठ के अपने पुराने वीडियोस देख रहे थे. हाँ, हमने कितने सारे वीडियोस देखे कल. दो साल में जो हमने खुद पर्सनली अपनी टीम में अपने आप में एक चेंज देखा है ना, वो चेंज प्रूफ करता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज राइट. जो हम कर रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन है और इसके पीछे सबसे ज्यादा सपोर्ट आप क्या है, आप पूरी ऑडियंस जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने में हेल्प करी है, हमारे हर वीडियोज को इतना प्यार दिया है. तो उसी उम्मीद से मैं आपको बोलता हूँ कि इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक एंड शेयर करिए अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो. और अगर आप भी अपनी गाड़ियों पे काम कराना चाहते हैं, पुणे या पुणे के आसपास रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए तरीके से आप हमें रीच कर सकते हैं. तो गाड़ी का सारा काम खत्म हो चुका है, गाड़ी बहुत ही शानदार बनी है और अब हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो लुक. हाँ, जो हम देख के तंदुरुस्त हो गए थे. हाँ, खुश हो गए थे. हमने भी जब पर्सनली आफ्टर शॉट्स देखे, मतलब दिल ऐसा होता ना धक धक, नहीं वो गार्डन हो गया था. हाँ, और बहुत खुशी हुई थी. इसके शूट के लिए हमने स्पेसिफिकली 30mm का नया लेंस खरीदा. राइट, और शॉट्स बहुत अमेजिंग आए, बहुत अमेजिंग आए. तो अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखे हैं तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए. और पता है क्या, कैमरा इक्विपमेंट खरीदते खरीदते ना हम जेन्युइनली बहुत गरीब हो चुके हैं. तो अगर आप लोग हमारे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को शेयर कर देना प्लीज. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल.
वाला सीन याद आ रहा है, जिम्मी वाला, जिम्मी जिम्मी आजा आजा, और ऐसे फिर गिटार में से उसकी माँ को करंट लगती है। वो मूवी अलग है, वही तो है। बंद क्यों कर रहे हो? अबे ये क्या, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया था बोलना। और सुन,